वेलकम 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 दोस्तों, रियल मैड्रिड इज बैक ऑन ट्रैक और पीएसजी का होने वाला है कमबैक, लिख के ले लो। और आज टीसीएस भी नहीं, मैड्रिड पंडित्स में मैं आपको वेलकम कर रहा हूं। और हमारे साथ है वेदांत, द ओनर, द कर्ता धर्ता ऑफ मैड्रिड पंडित्स। और आज हमारे साथ है यंग मैड्रिडिस्ता रेहान फ्रॉम असम। तो आज की जो शाम है वो बड़ी बेहतरीन होने वाली है। तो एक पहले एक प्यारे से क्वेश्चन से, जो कि काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है, उससे शुरू करता हूँ। वेदांत भाई से पूछ लेते हैं कि ब्रो, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू आफ्टर द रियल सोसिएडैड मैच, और जो मैच रियल मैड्रिड खेली, क्योंकि बहुत हवा में आ चुके हैं काफी लोग। तो क्या वो हवा में रहने देगा तू उनको, या जमीन पे लेगा, या फिर तू बोलेगा कि एक बैलेंस ढूंढ लो? क्या है तेरा इसके ऊपर टेक? देखो, मैं कहूंगा कि बैलेंस रह लो। रीजन बीइंग सिंपल, देखो मैड्रिड ने प्रेस किया, मैड्रिड का इस सीजन ऐसी टीम है जो ज्यादा प्रेस नहीं करी है। वी आर 17th इन ला लीगा इन टर्म्स ऑफ प्रेसिंग, बट अगेंस्ट सोसिडैड वी प्रेस्ड वेरी हाई। ऑक्टेन ऑक्टेन एंगल ऑफ प्रेसिंग जो कहते हैं, बहुत टैक्टिकल अप्रोच है ये, उससे हम लोग ने प्रेस किया। बट ये सेम चीज करना पीएसजी के अगेंस्ट शायद शायद फायदेमंद नहीं होगा। रीजन बीइंग सिंपल, पीएसजी इज अ प्रेस रेजिस्टेंट टीम, तो डिफरेंट अप्रोच से खेलना पड़ेगा। और कार्लो एंचेलोटी ने क्लियरली बोला था कि जो आपको आज देखने को मिला है, शायद आपको पीएसजी वाले गेम में देखने को ना मिले, आपको कुछ नया नवेला देखने को मिले, या फिर वही पार्क द बस, या फिर मिड ब्लॉक खिला के काउंटर पे खेलेंगे विद विनीसियस वालवर्डे एक्सेट्रा। तो रेहान भाई, आपके थॉट्स की मतलब, आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट दैट पीएसजी क्लैश नाउ? भाई अगर निंजा टर्टल मैच ना खेले तो भाई बहुत कॉन्फिडेंट है भाई। एम्बापे मेन खतरा है हम लोग का। अरे भाई क्या है बोलो, जैसे कि लास्ट मैच में देखा है कि पीएसजी हार गए, नो एम्बापे नो पार्टी, तो वैसे ही है। और काफी हमेशा रेहान भाई काफी हाँ डायरेक्ट बातें कर रहे हैं, और वो मेरे ख्याल से तो बहुत सही बात है। लेकिन यार मैं तो ये कहूंगा कि नीस वाली हार से हमें कुछ भी नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए कि पीएसजी इज नॉट एट देयर लेवल। जब वो हमसे खेलने आ रही थी, खेली क्या कहते हैं, और जीती, और उसके अगला मैच वो नांटेस से हार गई, तो आप सब सब पता चलता है कि हाउ सीरियस दे आर व्हेन इट कम्स टू लीग वन। बट हमें जिस बात से खुशी होनी चाहिए, जिस बात पे फोकस करना चाहिए, वो है कि दिस टाइम वी हैव द मोमेंटम। लास्ट टाइम जब मिले थे, 4 मैच में एक विन था रियल मैड्रिड का, एक ही विन था। और हाँ, और इस बार देखो तो हम लास्ट 3 मैचेस जीते हैं। देखो पहला वाला मैच का सेकेंड हाफ, आई एम प्रिटी श्योर जो मोमेंटम एज अ टीम गेम के प्ले की तरह चाहिए था, वो तो नहीं था पहले गेम में, सेकंड हाफ में आया। फिर उसके बाद रायो के अगेंस्ट 1-0, लोग कह रहे हैं कि भाई क्या बेकार खेली रियल मैड्रिड, बट रायो वाले का ना एट देयर होम आर अ वेरी टफ टीम टू बीट, और वहां पर भी क्लीन शीट लेके आना, वहां पर जीतना, वी आर विनिंग, वी आर इन ऑन अ विनिंग रन। तो ये सबसे तगड़ी नेक्स्ट लेवल बात है। और पिछले मैच में जो जैसा खेले, बूम बूम परफॉर्मेंस बाय रियल मैड्रिड, तो दैट्स The thing that we should focus on, not on PSG losses or anything that's happening in PSG. डेफिनेटली अग्रीइंग विद यू जयंत। रायो वालेकानो के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दे आर अ प्रिटी थ्रेटनिंग साइड, आई शुड से, इन लालीगा दिस सीजन। एंड अगर मैं बस एक और क्वेश्चन, मतलब सबसे पहले तो रेहान भाई से पूछता है, रेहान भाई इज फ्रॉम बॉम्बे पेना दे मद्रिद, या फिर बॉम्बे पेना दी रियल मद्रिद। तो क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आपका लाइनअप प्रेडिक्शन क्या होगा? डू यू थिंक कि वैल्वर्डे को कमाविंगा की जगह पे खिलाना चाहिए, या फिर कमाविंगा हैड अ प्रिटी गुड परफॉर्मेंस अगेंस्ट सोसिडैड, तो उसको स्टार्ट कराना चाहिए? आई थिंक कामाविंगा, अच्छा, बिकॉज ऑफ दैट परफॉर्मेंस अगेंस्ट सोसिडैड। यस, एंड ही इज समथिंग जयंत स्पेशल। तो नहीं भाई, मतलब पहली बात तो इस चीज पे काफी चीजें डिपेंड करेगी, लाइनअप की, क्रूज भाई अवेलेबल है कि नहीं, 100% है कि नहीं, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि चाहे वो 100% ना भी हो, लेकिन एंसेलोटी भाई जितने अपने रोटेशन को लेके वो रहते हैं, वो खिला देंगे उसको, 50% क्रूज को भी खिला देंगे, 70% क्रूज को भी खिला देंगे। बट भाई सबसे तगड़ी बात जो कामाविंगा ने अपने परफॉर्मेंस से की है, कि उसने काफी सारे रियल मैड्रिड फैंस के मन में डाउट ला दिया कि वेलवार्डे या कामाविंगा, कामाविंगा या वेलवार्डे। बट मैं तो आई विल स्टिल स्टिक विद वेलवार्डे, बिकॉज जितनी आपने वो देखी कामाविंगा की अच्छी चीजें देखी, आपने ये भी देखा होगा कि उसने 9 बॉल लॉसेस करी हैं, ठीक है? और कामाविंगा वाज प्लेइंग अगेंस्ट रियल सोसाइड, दिस इज पीएसजी। ऐसे आप देखो इलारा मेंडी पे चढ़ा हुआ था कामाविंगा, वहां पर ऐसे प्लेयर्स नहीं है जिस पे आप चढ़ो इतने आराम से, आपको चढ़ने दे, ठीक है? बट वही बात है यार कि वेलवार्डे जो है वो बिग मैचेस में खेला भी हुआ है, ही हैज दैट चैंपियंस लीग एक्सपीरियंस। आई वुड से एज अ सुपर सब, मैं बहुत चाहूंगा कि कामाविंगा पिच पे आए एंड ही शोज दैट समथिंग स्पेशल, जैसा रियान भाई ने कहा, वो समथिंग स्पेशल वो पिच पे लेके आए। बट
इन द मिडफील्ड आई वुड से कि अगर क्रूज खेला तो क्रूज मॉड्रिच एंड वेलवार्डे, तेरे को क्या लगता है भाई, कामाविंगा या डेफिनेटली वेलवार्डे? मैं स्टिल टीम वेलवर्डे के लिए जाऊंगा. मेरी रीजंस काफी सिंपल है, बिग गेम प्लेयर है, काफी बिग गेम्स में परफॉर्म भी किया है एंड अगेंस्ट पीएसजी ही इज गॉट प्रेटी गुड एक्सपीरियंस बिफोर आल्सो. एंड इफ आई हैव टू ऐड समथिंग, मेरे हिसाब से कि देखो कमाविंगा इज अ ग्रेट प्लेयर, नो डाउट अबाउट दैट, बट वो है ना आपकी टीम को देख के नहीं चलता कि अगर आपकी टीम पूरी प्रेस कर रही है तो मैं प्रेस करूंगा. उसको बस सामने बंदा दिख रहा है बॉल के सामने तो प्रेस कर देगा, चढ़ जाएगा, वो घोड़ा है लिटरली. तो कमाविंगा को आई थिंक 60th मिनट के बाद या 65th मिनट के बाद क्रूज को बिठाने के लिए, बिकॉज क्रूज वोंट बी एट 100% फॉर श्योर इवन इफ ही मेक्स फॉर दिस क्लैश. तो मैं क्रूज मॉड्रिच वाल्वर्डे के लिए जाऊंगा विद क्रूज एज माई नंबर 6 एंड मॉड्रिच एंड वाल्वर्डे ऑन दी अदर साइड. मैं पहले 4-4-2 के लिए जा रहा था बट एंचेलोटी के थॉट प्रोसेस को देख के लगता नहीं कि हम लोग 4-4-2 लेंगे, 4-3-3 ही जाएंगे. तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यार वेदांत भाई की तरफ 4-4-2 का भूत उतर गया फाइनली, ये बात से मैं काफी खुश हूँ क्योंकि अटैकिंग माइंडसेट के साथ जाना ही है भूत ही है भाई. बट अगर तू एक काउंटर अटैकिंग साइड है, तू काउंटर अटैक पे रिलाई कर रहा है, तो 4-4-2 इज अ वेरी गुड फॉर्मेशन फॉर अ काउंटर अटैकिंग टीम, डोंट यू एग्री? हां लेकिन वो बात बिल्कुल तेरी सही है, लेकिन यार अगर आप काउंटर अटैक कर रहे हो तो यू हैव टू हैव दोस पेसी प्लेयर्स व्हिच विल बी लैकिंग. अगर तू 4-4-2 में तू रोड्रिगो को खिलाएगा 4-4-2 में, 4-4-2 में, या फिर क्या खिलाएगा? में भी होगी ना एक तरफ से. नहीं तू सही बोल रहा है, तू सही बोल रहा है, बट 4-3-3 में ना क्या होता है कि देख 4-4-2 में ना, सॉरी 4-3-3 में सेंट्रल फोकस बहुत ज्यादा होता है मेरे हिसाब से, ठीक है? एंड जब आप काउंटर अटैक करते हो, स्पेशली रियल मैड्रिड की बात कर ले, तो हम लोग फ्लैंक्स पे हमारी काफी रिलाई करते हैं. तो 4-4-2 में हमारे वाइड प्लेयर्स मेरे हिसाब से वाल्वर्डे और विनीसियस होना चाहिए और बेंजेमा और रोड्रिगो अप टॉप. बट रोड्रिगो एक फ्लोटिंग प्लेयर के रोल पे भी खेल सकता है, हम पहले भी खेल चुका है वो. आई एम नॉट सेइंग कि वो डबल स्ट्राइकर खेल चुका है, आई एम सेइंग कि एक फ्लोटिंग प्लेयर के तौर पे खेल चुका है. तो मेरे हिसाब से कि वो भी बैठ जाता, बट एंचेलोटी 4-3-3 करेगा ही, मतलब अब तो मालूम है, नो ब्रेनर. टू मच एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट हो जाएगा भाई, टू मच एक्सपेरिमेंट हो जाएगा. हां टू मच एक्सपेरिमेंट हो जाएगा. ऊपर से रायो वालेकानो में अगर तेरे को याद हो तो 80th मिनट में ही गॉट ऑन सबायोस एंड कमाविंगा फॉर असेंसियो एंड मॉड्रिच. तो हम लोग एक 4-4-2 फॉर्मेशन में गए थे, तो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद से ये बंदा 4-4-2 के साथ ही जाएगा आगे जाके, बट ऐसा सीन नहीं बनते हुए दिख रहा है. रेयान भाई आपसे आपका प्रेडिक्टेड लाइनअप ले लेते हैं, उसके बाद जयंत भाई से लेंगे. कोर्टवा, फिर बेंजेमा, विनी और रोड्रिगो, फिर क्रूस, कमाविंगा, मॉड्रिक एंड यस एंड देन नाचो, डेविड अलाबा एंड मिलिटा. हो गए और कारवाहाल. हाँ हाँ कारवाहाल. जयंत व्हाट इज योर स्टार्टिंग 11? भाई क्रूज मतलब सेम एज रियान भाई, बट वही कामाविंगा की जगह वेलवार्डे और मतलब यार रोड्रिगो, यार असेंसियो सुपर सब रहा. और जैसे आपने रोड्रिगो का परफॉर्मेंस देखा भाई, ऐसा नहीं था कि राइट फ्लैंक आपको ऐसा डेड दिख रहा था, राइट फ्लैंक वाज लाइवली एज फक इन दैट गेम. और दूसरी बात है कि वर्क रेट भी रोड्रिगो का बहुत ही बेहतरीन है, और जब आप काउंटर पे हिट करो तो यू शुड हैव टू पेसी प्लेयर्स भाई, जो कि रोड्रिगो आपको पता है. और मतलब दूसरी तरफ से मतलब आप जितने भी मैचेस देख रहे हो जिसमें ये बंदे खेले ना, एल क्लासिको भी आप बड़े मैचेस स्टार्ट करें इन्होंने, इन दोनों ने 4-3-3. आप एथलेटिक बिलबाओ का फाइनल देख लो जिसमें रोड्रिगो का रन है और मॉड्रिच को असिस्ट और फिर गोल है, वो सब कुछ बताता है कि रोड्रिगो क्यों नथिंग नो के कहते हैं बैड फीलिंग्स फॉर असेंसियो की भाई कुछ बेकार है उसमें इसलिए नहीं खिलाऊंगा. मतलब आई हैव लेजिट रीजंस व्हाई आई वुड स्टार्ट रोड्रिगो. और उसकी तरफ से भाई सेंटर बैक पेयरिंग आल्बा और मिलिटाओ टू मेक दैट सॉलिड वॉल, क्योंकि हम क्या कहते हैं ओरिजा बाल और इसाक और डेविड सिल्वा के अगेंस्ट नहीं है इस मैच में, ठीक है? आप नाचो और मिलिटाओ मत खिलाने देना, और आल्बा को लेफ्ट बैक ताकि वो अटैकिंग हो जाएगा, ठीक है? प्लेयर्स कैन स्विच क्या कहते हैं नाचो और जब अटैकिंग क्या कहते हैं ट्रांजिशन में हो टीम, लेकिन सेंटर बैक पेयरिंग ये होनी चाहिए आल्बा मिलिटाओ. और दूसरी तरफ से कारवाहाल इस गेम में मैं कहूंगा कारवाहाल विल मेक हिज नेम फॉर श्योर, ही इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव अ बैंगर, क्योंकि जिस तरह से कमबैक करा है पिछले कमबैक भी करा है पिछले मैच में आफ्टर द जब पेनल्टी इंसिडेंट, कारवाल वाज एपिक इन दैट मैच भाई. एक पेनल्टी देने के बाद भी आपकी रेटिंग कुछ 8 समथिंग थी, तो बहुत अच्छी मैच खेले हो आप फॉर द रेस्ट ऑफ द 80 मिनट्स. तो भाई और कर्टुआ द बेल्जियन सुपर हीरो फॉर श्योर, और तो कोई है ही नहीं.
मेरी लाइनअप भी ऑलमोस्ट सेम ही है जयंत भाई जैसी. रोड्रिगो, विनीसियस, बेंजेमा अप टॉप विद क्रूस, मॉड्रिच, वाल्वर्डे. सुपर सब के तौर पे कमाविंगा और असेंसियो को इंट्रोड्यूस कर सकते हो. नाउ द रीजन कि हम लोग असेंसियो को क्यों नहीं ले रहे हैं इज बिकॉज मेरे हिसाब से वो एक ट्रेडिशनल विंगर नहीं है. ही डजंट ऑफर व्हाट अ ट्रेडिशनल विंगर ऑफर्स. एंड जस्ट टू ऐड, मेरे हिसाब से रोड्रिगो कहीं ना कहीं एक काउंटर अटैकिंग प्लेयर ही लगता है. पेस वेस की बात नहीं कर रहा मैं, बट ही सूट्स द स्टाइल ऑफ काउंटर अटैकिंग फॉर सम रीजन, मेरे को ऐसा लगता है. तो मेरे हिसाब से ही विल आल्सो बी अ गुड फिट. एंड बैकलाइन और कोर्टुआ तो सबका सेम ही है यहाँ पे. लास्ट बस मैं ये पूछना चाहूंगा कि जयंत भाई आपके प्रेडिक्शंस क्या इस गेम में, मतलब फाइनल स्कोर क्या हो सकता है, कैन वी विन दिस मैच? क्या डेफिनेटली डेफिनेटली, मतलब ऐसा कोई बड़े मार्जिन नहीं से हमें कमबैक नहीं करना, जस्ट अ गोल. वी हैव टू स्टे काम और मतलब जैसा मोमेंटम बिल्ड करना है हमें, जैसे पिछले मैच में क्या था, हम पोजेशन ही नहीं ले पाए तो तुम गोल क्या मारोगे, तो दूर दूर की बताइए. इस बार में पोजेशन लेना, वी हैव टू कम विद अ गेम प्लान. और अगर वो नहीं चल रहा है तो श्योरली एंसेलोटी हैव टू मेक चेंजेस. ये सारी बातें ध्यान में रखते हैं और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन गोल, अ गुड काउंटर अटैक. जैसे आपको बार्सिलोना का अल्बा वाला गोल तो मेरा फेवरेट है इस सीजन का. विनीशियस टू रोड्रिगो, रोड्रिगो टू अल्बा, बूम, सिंपल चार पासेस वाला गेम और गोल. तो जस्ट मैटर ऑफ वन गोल एंड श्योरली, और जो हमारा पूरा सपोर्ट होगा इस बार में, तो वी विल बी ओवर पीएसजी इफ वी गेट द अर्ली गोल. तो फिर एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल फन होगा मैच. वैसे जयंत भाई ने शायद से मेरे और रियान की तरफ से भी सम अप कर ही दिया है, बट रियान बस मैं आपका स्कोर लाइन पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कितने गोल पे जाएगा ये, बस स्कोर लाइन. आई थिंक इट विल बी 2-0 और 3-1. मुझे भी 2-0 लग रहा है. आई थिंक रियल मैड्रिड विल विन एंड कहीं ना कहीं हमारे अल्ट्रास विल आल्सो प्ले अ रोल इन दिस मैच. आई थिंक 2-0. वैसे गाइस यही था आज का वीडियो. जयंत भाई का चैनल का लिंक, जयंत भाई का लिंक नीचे रहेगा, तो प्लीज डू चेक आउट द चैनल. आई थिंक 600 सब्सक्राइबर्स हो गए. प्लीज 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 इनके 700 सब्सक्राइबर्स कर दो. हार्ड वर्किंग है एंड क्रिएटिव है एंड एंटरटेनिंग तो डेफिनेटली है. दैट इज द वीडियो फॉर टुडे गाइस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर.